हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस पंकज एंड यू आर वाचिंग रिव्यू। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले ऑल न्यू ह्युंडई सेंट्रो के बारे में, जो 23 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंटीरियर, इसके एक्सटीरियर, इसके बॉडी डिज़ाइन की और सब कुछ के बारे में बात करेंगे हम। सो गाइस, इस कार में आपको फ्रंट में मिलेगी हेक्सागोनल ग्रिल, जिसमें ब्लैक लेडिंग में दी गई है, और साथ में आपको मिलेगी क्रोम हाउसिंग, और इसमें आपको फॉग लैम्प प्लस हेलोजन लाइट्स मिलती हैं। ये एक टॉप एंड वेरिएंट है, और इसमें आपको ऊपर के साइड इंटीरियर दिया गया है। और इसका जो बॉडी है, ये एक टॉल बॉय डिज़ाइन की बॉडी है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो व्हील्स हैं, इसके जो व्हील्स आपको मिलते हैं, वो मिलते हैं 14 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं आपको। और साइड में जो मिरर्स हैं, उसमें आपको साइड इंडिकेटर्स भी मिलेंगे। और देखेंगे आप, बिल्कुल जो इसका जो डिज़ाइन दिया है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल दिखाया गया है, कोई ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, फंकी लुक भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है, और थोड़ा मतलब इसको नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश की गई है। और देखेंगे आप, बिल्कुल अच्छा दिख रही है गाड़ी। और गाड़ी की बात करें पीछे से, तो पीछे आपको ब्रेक लाइट वगैरह मिल जाएगी, जो इस गाड़ी के कम्प्लीटली मैच हो रही है। नीचे की साइड आपको मिलेगी ब्लैक क्लेडिंग, और क्लेडिंग के साथ ही आपको मिलेंगे रिफ्लेक्टर। यहाँ पर देखेंगे आप, आस्टा वेरिएंट लिखा हुआ है। आपको पीछे मिलेगा कैमरा, रियर वाइपर, और तो मतलब ये एस्टा फुल टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसमें आपको रियर वाइपर प्लस आपको रिवर्स कैमरा भी मिलता है, और रियर पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे। इसमें आपको 2 रियर पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं। और नीचे आप बीच में आपको मिलेगी हुंडई की ब्रांडिंग, और इसमें आपको रियर डिफॉगर भी दिए गए हैं साथ में। और अगर बात करें इसकी बूट स्पेस की, तो इसमें आपको मिलती है आपको 235 लीटर की बूट स्पेस। ये आप काफ़ी सफिशियंट बूट स्पेस है। और यहाँ पे आपको नीचे आपका जो स्पेयर व्हील है, वो भी दिया गया है, और ऊपर आपको मिलेगी पार्सल ट्रे। और गाइस, आपको इस कार में मिलता है 35 लीटर का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो। और ये जो कार है, पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है। तो चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं इस इंटीरियर कैसा है। तो गाड़ी का इंटीरियर है वो डुअल टोन में दिया गया है, ब्लैक एंड बीच ट्रीटमेंट के साथ में। यहाँ पे आपको जो 4 पावर विंडोज़ दी गई हैं, लेकिन वो विंडोज़ के जो स्विचेस हैं, वो यहाँ पे नहीं है, वो गियर नॉब के पीछे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, प्लस जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है, उसमें आपको स्विचेस मिलते हैं। सामने आपको मिलेगा ग्लोव बॉक्स, ये नॉर्मल ग्लोव बॉक्स है, कोई कूल ग्लोव बॉक्स नहीं है। और आपको म्यूजिक सिस्टम के नीचे मिलेंगे आपके एसी वेट के कंट्रोल इसमें। और यहाँ पे देखेंगे आप, गियर के पीछे आपको जो विंडोज़ है, उसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। और यहाँ पे कोई सेंट्रल आर्म सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ से देखेंगे आप एसी, और जो साइड्स के जो एसी वेंट्स हैं, उसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ अलग करने की कोशिश की गई है। और अगर हम चले पीछे की वाली सीट्स पे, तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि फर्स्ट इन द सेगमेंट एक आपको कॉम्पैक्ट कार में, यहाँ पे आपको पीछे एसी भी प्रोवाइड किए गए हैं हुंडई की तरफ से। और इसमें जो कार है, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है बैठने के लिए। और इसमें आपको फैब्रिक अपोस्ट्री दी गई है, और साथ में इसके जो एसी वेंट्स हैं, आपको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको 2 एसी वेंट मिलेंगे पीछे, और जो पीछे के डोर्स हैं, उसमें आप जो पावर विंडोज़ उसको स्विचेस दिए गए हैं। ऊपर आपको मिलेगी जो रीडिंग लैम्प मिल जाएगी आपको। साइड में जो हैंडल्स दिए गए हैं, वो क्रोम के हैं। और अगर हम चलें ड्राइवर साइड की सीट्स पे, तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप एंटर होंगे, आपको यहाँ पे स्टीयरिंग पे बटन्स दिखेंगे, जो एक प्रीमियम क्वालिटी फील देता है। यहाँ पे आपको कोई हाइट एडजस्टमेंट का स्विच नहीं दिया गया है, इसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा गया है। राइट साइड में आपको मिलेगी MID डिस्प्ले, और सेंटर में आपको स्पीडोमीटर, और लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा टेकोमीटर, या फिर मैं कहूँ RPM मीटर। और जो स्टीयरिंग है, उस पर बटन्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं कंपनी द्वारा, जिसमें आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, आपका जो ट्रैक है उसको चेंज कर सकते हैं, आप फोन रिसीव कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको साइड में आपको देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको मिरर एडजस्टमेंट के स्विचेस भी दिए गए हैं। ये जो मिरर्स हैं, ये वो ऑटो फोल्डेबल नहीं है, लेकिन हाँ, आप इसको इंटरनली एडजस्टेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे
तो क्वालिटी जैसे काफ़ी अच्छी दी गई है, बिल्कुल आपको अच्छा फील होता है, प्रीमियम टाइप की क्वालिटी दी गई है, कोशिश करी है यहाँ। यहाँ पर आपको सनसेट में मिरर भी प्रोवाइड किया गया है, और इस कार में आपको जो ड्राइवर सीट है उसमें आपको एयरबैग मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप चाहें तो उसमें जो एज अ ऑप्शन भी ले सकते हैं आप जो पैसेंजर साइड एयरबैग है वो। और अगर बात करें हम इसके इंजन की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन जो आता है 4 सिलेंडर के साथ में, जो प्रोड्यूस करता है 68 BHP की पावर, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो है 99 Nm का। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग अभी तक इस कंपनी ने डिक्लेयर नहीं की है, तो क्योंकि इसका जो लॉन्च है वो 23 अक्टूबर को है, तो प्राइसिंग का भी हमें कुछ आइडिया नहीं है। और बात करें इसके कलर्स की, तो इसमें आपको मिलेगा रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, बीच कलर, सिल्वर एंड स्टार डस्ट कलर मिलेगा आपको यहाँ पे। और इसमें कंपनी ने 1 एयरबैग प्लस ABS जो है वो स्टैंडर्ड दिया गया है। और साथ ही साथ हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे आप 4 पीपल्स एंड 1 किड इजीली आप बैठ सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।